हेलो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अर्जन के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पावर बीआई में कैसे हम लोग 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट को बनाते हैं और इसे क्यों बनाते हैं, इसका क्या यूज है। तो इसे दिखाने के लिए मैंने सेल्स का यहाँ पे डेटा इंपोर्ट करके रखा है ऑलरेडी, और इसे बनाने के लिए हम लोग जाएंगे विजुअलाइजेशन पैनल में। यहाँ पे आपको दिखेगा 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट, इसके ऊपर में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, इसे मैं ट्रैक करके यहाँ पे मैंने डाल दिया है। तो इसे क्यों बनाते हैं वो पहले थोड़ा मैं आपको बता दूं। अगर हमें किसी भी चीज का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन अगर निकालना है, दिखाना है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं 100% स्टैक कॉलम चार्ट को। जब ये चार्ट एक बार क्रिएट हो जाएगा तो मैं आपको बाद में और दिखाऊंगा कि इसको कैसे यूज किया जाता है। यहाँ पे हमें निकालना है कि ईयर ऑन ईयर रीजन वाइज क्या सेल्स कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऑर्डर डेट को एक्सेस में डालेंगे, उसके बाद मैं रीजन को लीजेंड्स में डालूंगा, उसके बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे की तरफ में आ रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू फील्ड है, इस वैल्यू फील्ड में मैं डालूंगा सेल्स को। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक 100% स्टैक कॉलम चार्ट क्रिएट हो चुका है। इसमें मैं जाकर फॉर्मेटिंग से लेवल्स को ऐड कर दे रहा हूँ। तो जाएंगे फॉर्मेट योर विजुअल्स में, नीचे की तरफ में जाएंगे तो यहाँ डेटा लेवल को मैंने ऑन कर दिया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ये परसेंटेज कंट्रीब्यूशन दिख रहा है ईयर ऑन ईयर। 2014 का बात करें तो यहाँ पे आपको हर एक रीजन वाइज दिखेगा कि कौन से रीजन का कौन से ईयर में कितना कंट्रीब्यूशन है। टोटल ये 100% है, ये पूरा बार ऊपर से नीचे तक, और इसमें यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है कि किसका कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन रहा है ईयर ऑन ईयर। तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।